लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंसेज में एमफिल करवाएं। अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इजाज़त मिल गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनओसी जारी कर दिया। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। आपको अपडेट करें, लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंसेज में एमफिल करवाएं। अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इजाज़त मिल गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से एनओसी भी जारी कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंसेज में एमफिल की इजाज़त दे दी है। अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ को इस हवाले से इजाज़त दे दी गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनओसी भी जारी कर दिया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा एनओसी भी जारी कर दिया गया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी खबर है और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो है एक एनओसी जारी किया गया और ये एनओसी जो है नया शोभा शुरू करने के लिए जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो है लाइब्रेरी साइंसेज एंड के लिए जो है एमफिल की क्लासेस अब शुरू की जा सकती है। और जो मुरासला जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दो पीएचडी जो फैकल्टी में लाजमी होने चाहिए और जो क्लासेज जब शुरू की जाए तो उसमें जो है तलबा और साजा की जो रेशियो है उसको भी मुतवाजन रखा जाए। तो अब एनओसी जारी कर दिया गया और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है एमफिल क्लासेस शुरू कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज आपका।